सर एक रथ यात्रा 90 के दशक में निकली थी, उसमें और इसमें क्या अंतर है? 2025 तक लगातार चलेगा, पूरे देश को कवर करेगा और पूरे देश में जाके मानवता का, जो मानवता का राज भारत में कायम हो, जातिवाद खत्म हो, शोषण खत्म हो, उसी के लिए हम लोग काम करेंगे। वाणी ने रथयात्रा निकाली थी, वो केवल एक मंदिर के लिए निकाली थी, मंदिर के लिए निकाली थी, लेकिन ये पूरे एक समाज को लेकर साथ चलने वाला रथ है। हमने 10 करोड़ लोगों को टारगेट निश्चित किया है और मैं आपको ये बता देता हूँ ये कम रह गया, 10 भी नहीं है पूरे 110 में से 9% के आसपास बैठता है, तो पूर्ण विश्वास है 10 करोड़ से ज्यादा लोग बौद्ध दीक्षा लेंगे। देश में 90 के दशक में एक रथ यात्रा निकली थी जिससे देश भर में दंगे हुए, तमाम लोगों की जान गई। इसके बाद अब एक और रथ यात्रा निकल रही है, लेकिन इस रथ यात्रा का मतलब कुछ और है। ये देश को मजबूत करने के लिए, देश को जोड़ने के लिए और देश में भाईचारा बनाने के लिए ये रथ यात्रा निकाली जा रही है। पूरे देश में आप देख सकते हैं ये बस तैयार की गई है, जिसका पूरा लक्ष्य है कि ये पूरे भारत में घूमेगी, जहाँ पर लोगों को बुद्धम का संदेश देगी, उनको बुद्धम के लिए अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, बुद्धम अपनाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए, लोगों को कैसे जोड़ा जाए उसके लिए काम करेगी। और ये पूरे भारत में निकलेगी। आप देखिए तस्वीरें देख सकते हैं बस में, जिस तरीके से इसको सजाया गया है, देखिए संत शिरोमणि दास है, संत कबीर हैं, संत भयेश्वर है, संत तुकाराम है, संत गाड़गे है, तो तमाम जो बहुजनों के जो बड़े बड़े पूर्वज हैं, जो बड़े बड़ी विचारधारा वाले लोग हैं, महापुरुष हैं, उनकी सबकी तस्वीरें हैं। और ये देखिए जिस अंदाज में ये बस सजी हुई है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और देखिए अंदर का भी नज़ारा हम दिखाएंगे, ये देखिए, ये देखिए, आइए देखिए, तो ये आप देख सकते हैं अंदर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बस की। ये एक सोफ़ा है, बेड है, जहाँ पर तकिया है, एसी है, और देखिए इसके अलावा और भी चीज़ें हम दिखाएंगे। ये देखिए, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाएंगे, ये किचन है, यहाँ पर जो है खाना बनेगा। लाइट की वजह से आपको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि कॉफ़ी की मशीन है, फ्रीज है, बाकायदा सारी जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। और इसमें भी हम आपको दिखाएंगे, देखिए एक मिनट, ये भी लॉक, एक ये बंद है, लॉक है शायद। तो इस तरीके से ये पूरी बस जो है लेस है, इसमें तमाम फैसिलिटी है, क्योंकि इसमें पूरे भारत में घूमना है, पूरे भारत में धमकी जो है वो शिक्षा देनी है लोगों को। और देखिए ड्राइवर लाइन में भी हम दिखा सकते हैं, उधर थोड़ा दिखा दीजिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अब जो है बस स्टार्ट होगी, चलेगी, जिसकी शुरुआत हम दिखा रहे हैं। हम ये अंदर से आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं, और वो जो है अब ड्राइव करके इसका आगाज़ करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे। और देखिए अब उसको झंडा दिखा दिया गया है, और अब जो है अब देखिए झंडा दिखा दिया गया है, और ये जो है बस अब निकलती हुई जा रही है। सामने आप देख सकते हैं तस्वीरें, लोग जो है पंचशील का झंडा दिखाकर इसकी शुरुआत कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। और यहाँ से जब ये शुरू होगा तो देश भर के तमाम राज्यों में, तमाम जिलों में, तमाम गांव में, तमाम शहरों में पहुँचेगी, जहाँ पर लोगों को बौद्ध धर्म से जुड़ने का अवसर देगी, या उनको समझाएगी लोगों को कि जो भारत को अगर मजबूत बनाना है तो बौद्ध धर्म के जरिए ही मजबूत बनाया जा सकता है, जहाँ पर बराबरी हो, जहाँ पर सद्भावना हो, जहाँ पर हिंसा ना हो। तो वो संदेश लेकर पूरे देश भर में निकलेंगे मंत्री जी राजेंद्र पाल गौतम। ये देखिए मंत्री जी आ रहे हैं अंदर, देखिए आप देख सकते हैं मंत्री जी आ गए हैं। जीना जीना पीछे पीछे सर सर इसकी शुरुआत होगी तो कहाँ सबसे पहला जो टारगेट होगा? राजस्थान जाएगा पहले, वहाँ से फिर गुजरात जाएगा। इसके जरिए क्या लक्ष्य रहेगा कि हमें एक ही लक्ष्य रहेगा, पूरे भारत से जातिवाद मुक्त भारत बने, छुआछूत मुक्त भारत बने, और पूरे भारत के अंदर समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय पे आधारित विचार बने। सर कितने दिन का ये रहेगा, लगभग साल, महीना, 6 महीना, 2 महीने? 2025 तक लगातार चलेगा, पूरे देश को कवर करेगा और पूरे देश में जाके मानवता का, जो मानवता का राज भारत में कायम हो,
जातिवाद खत्म हो, शोषण खत्म हो, उसी के लिए हम लोग काम करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, मंत्री जी ने यहाँ से अब दिखा दिया है और ये पूरे भारत में 2025 तक पूरे भारत में घूमेंगे। तो मंत्री जी ने बताया कि साफ साफ ये 2025 तक पूरे भारत में घूमेंगी, जहाँ पर लोगों को बौद्ध धर्म के लिए, उसकी शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, आज दिल्ली के सिविक सेंटर से इसकी शुरुआत हो रही है। ऐतिहासिक दिन है जो 2025 के लिए यहाँ से ये रथ निकलेगा, 2025 तक पूरे देश में घूमेगा, लोगों से मुलाकात करेगा, बौद्ध धर्म के जरिए लोगों को जोड़ेगा। और क्योंकि उसमें सद्भावना है, प्रेम है, करुणा है, उसके जरिए जो भारत को मजबूत बनाने का मंत्री जी ने लक्ष्य रखा है, 2025 में अशोक दशमी पर कम से कम 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म में लाना है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन दिखाएंगे खड़े होके कि आप जो रथ यात्रा के चारों तरफ जो है दर्शक हैं, समर्थक हैं, वो लोग आए हुए हैं। मंत्री जी ने इसका आज इनॉग्रेशन कर दिया है और दिल्ली की सिविक सेंटर से जो MCD का दफ्तर है वहाँ से ऐतिहासिक इसकी पहल हो रही है और ये इसके बाद पूरे देश भर में घूमेगा। मैम, क्या लगता है इस रथ यात्रा के जरिए क्या संदेश देंगे? पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रचार एंड प्रसार और जाति तोड़ के समाज को जोड़ने का पूरा प्रयास इस रथ के द्वारा किया जाए। इस रथ में और 90 का जो एक रथ निकला था उसमें कितना अंतर आप देख रहे हैं? देखिए, मैंने 90 का रथ देखा नहीं, मैंने तो ये पढ़ा जो खबरें से सामने आया, पढ़ा समय मैं छोटी थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, उसका आइडिया नहीं है मुझे। मैम, क्या लगता है कि जो 90 में रथ यात्रा निकाली थी लाल कृष्ण अडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी, वो केवल एक मंदिर के लिए निकाली थी, मंदिर के लिए निकाली थी, लेकिन ये पूरे एक समाज को लेकर साथ चलने वाला रथ है, जो जातियों को, जो अलग अलग जातियां हैं जिनमें भेदभाव है, उनको सबको एक करके और उसको लेकर चलने वाला रथ है ये। सभी को एक साथ लेकर चलने का प्रयास किया जा रहा है इसमें, कि हम सभी, चाहे किसी भी धर्म के हैं, चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोशिश ये रहेगी सभी इस धर्म से जुड़े और पूरे देश को एक जाति के साथ जोड़ा जाए, सब एक बराबर हो, सब में समानता हो, कहीं कोई भेदभाव ना हो, पुराने विचार ना ला दे जाएं, जो बुद्ध भगवान के प्रचार प्रसार में जो उन्होंने अपनी नीतियां बताई वो सारे में बता के उसको आगे फैलाया जाए। सर, क्या लगता है कितना ये सफल हो पाएगा जो रथ यात्रा आज यहाँ से निकलेगी और 2025 तक पूरे देश में घूमेंगी? हमने 10 करोड़ लोगों को टारगेट निश्चित किया है और मैं आपको ये बता देता हूँ, ये कम रह गया, 110 करोड़ लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी 85% भी लगाएं जबकि हैं 88%, उसका हमने केवल 10% लिया है, अभी तो 10 भी नहीं है, पूरे 110 में से 9% के आसपास बैठता है। तो पूर्ण विश्वास है 10 करोड़ से ज़्यादा लोग बौद्ध दीक्षा लेंगे, हमें बहुत सारा प्रोत्साहन मिल रहा है, बहुत अच्छी हमारे पास रिपोर्टें हैं और हमारा भारत में ही नहीं, आप विश्वास रखिए पूरे विश्व में बौद्ध धर्म राज करेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। सर, एक रथ यात्रा 90 के दशक में निकली थी, उसमें और इसमें क्या अंतर है, लोगों को कैसे समझाएंगे? वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, ये सामाजिक उत्थान के लिए है, ये रूढ़िवादिता से बाहर निकालने के लिए, वो रूढ़िवादी में राजवादिता में जानने के लिए थे, ये रूढ़िवादिता से बाहर निकालने, जाति प्रथा से बाहर निकालने के लिए है, इसमें और उसमें बेसिक डिफरेंस है। वो उन्होंने सत्ता हत्याने के लिए थी, ये सत्ता हत्याना नहीं है, ये सामाजिक उत्थान के लिए है, लोगों को रूढ़िवादिता से बाहर, जातिगत व्यवस्था से बाहर निकालने के लिए, इसमें और उसमें बहुत डिफरेंस है। चलिए, तो हमारे साथ थे, आप समझिए 90 में जो रथ यात्रा निकली थी उससे देश में कितना बड़ा नुकसान हुआ था, पूरे देश में हर जगह कम्युनलर राइट्स में तमाम लोगों की जान गई, लेकिन ये रथ यात्रा जो है उससे बिल्कुल अलग है, इसमें सद्भावना है और इसमें लोगों को जोड़ने की जो भावना है वो सबसे अहम है। और ये जब ये देश भर में घूमेगी 2025 तक लोगों को बौद्ध धर्म की तरफ आने के लिए उनको न्योता देगी, दावत देगी, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम इस वक्त सिविक सेंटर दिल्ली MCD, कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ दिल्ली।